सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये मूवी ये कई देशों में बैन हो चुकी है। सो मूवी की एक्सप्लेनेशन काफ़ी गजब की होने वाली है और आपको इस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ओके सो आइए शुरू करते हैं ये मूवी की एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से प्रेस करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। सो शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। सो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक टीनेजर बॉय दिखाया जाता है जो कि स्केटबोर्डिंग कर रहा होता है। दरअसल ये लड़का स्केटबोर्डिंग करते हुए एक बड़ी उम्र की औरत का पीछा कर रहा होता है। जब ये लड़का स्केटबोर्डिंग कर रहा होता है तभी इसकी नज़र उसके जिस्म पर पड़ती है। उसे देखते ही काफी ज्यादा रोमांस सूझता है। अब जो औरत उसके आगे चल रही होती है उसे ये सब कुछ पता होता है कि ये लड़का मेरी तरफ ही देख रहा है और साथ ही उसका पीछा भी कर रहा है। तभी अचानक लड़का गमले से टकरा कर जोर से गिर जाता है। ये देखकर वो लेडी उस लड़के के पास आती है और उसका मोबाइल उठाते हुए कहती है कि तुम्हारा मोबाइल तो तुमसे ज्यादा मजबूत है। ये कहकर वो लेडी वहां से चली जाती है। अब इसके बाद ये लड़का अगले दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्केटबोर्डिंग कर रहा होता है, जहां पर वो लेडी अक्सर स्केटबोर्डिंग देखने आती थी और वो स्केटबोर्डिंग देखने कभी भी अकेले नहीं आती थी, अपने चार भाइयों के साथ आती थी जो कि दिखने में काफ़ी खतरनाक लगते थे। जब उस लेडी की नज़र फिर से उस लड़के पर पड़ती है तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। यह देखकर उसके सारे फ्रेंड उससे कहते हैं कि भाई देख, वो लेडी तुझे देखकर मुस्कुरा रही है, ऐसा लगता है कि वो तुझे पसंद करती है और इसी वजह से शायद वो मुस्कुरा रही है। तभी उस लड़के का एक फ्रेंड उससे कहता है कि भाई वो बंदी अकेली नहीं है, उसके चार भाई भी हैं और अगर गलती से भी ये बात उन्हें पता चल गई तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। अपने दोस्तों की बातें सुनने के बाद में उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उस लेडी को इम्प्रेस करने के लिए स्केटबोर्डिंग में स्टंट दिखाने की कोशिश करने लगता है, जिस चक्कर में वो बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है। ये देख वो लेडी उस लड़के के पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है और उसकी स्केटबोर्डिंग उठाते हुए फिर से वही वर्ड दोहराती है, कहती है कि तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारी स्केटबोर्ड है। इसके बाद वो लेडी कहती है क्या तुम मेरे साथ कहीं अकेले में चलोगे। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसे ऐसा ऑफर कभी नहीं मिला था, ये उसका फर्स्ट टाइम होता है। इसके बाद वो लेडी उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती है, लेकिन वो लड़का उसके भाइयों के डर की वजह से बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है, क्योंकि उस लेडी के सभी भाई उसे बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी लेडी उससे कहती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वो उससे पूछती है क्या तुम अब भी डर रहे हो। तो लड़का कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। वो लेडी उस लड़के को एक पार्क में ले जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो लेडी उस लड़के से कहती है कि तुम मेरा स्कार्फ उतार दो। ये सुनकर लड़का काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उस लेडी के बार बार कहने पर वो उसका स्कार्फ उतार देता है। इसके बाद उस लड़के का भी मूड बन जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद वो लेडी उससे कहती है कि मेरे सारे कपड़े उतार दो। वो उस लेडी के सारे कपड़े उतार देता है और जैसे ही कपड़े उतारते हैं वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के पीछे पार्ट में डॉगी स्टाइल वर्ड लिखा हुआ था। अब ये सब देखकर तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि वो बंदी किस टाइप की है। अब ये सब देखकर उस बंदे का भी मूड बन जाता है और फिर जैसे ही इन दोनों का काम शुरू होने वाला था तभी उस लेडी के वो चारों भाई वहां पर आ जाते हैं और अपना अपना वेपन उस लड़के पर तान देते हैं। तभी उस लड़के की नज़र पेड़ के ऊपर पड़ती है जहाँ पर वो अपने सभी दोस्तों को देखता है। उसके सारे दोस्त उससे चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उस लड़के को कुछ भी नहीं समझ आता, जिस वजह से वो वहीं पर खड़ा रहता है। तभी उस लड़की का एक भाई अपनी कमर पर टाइम बम बांधकर आता है और उससे चिपक जाता है। ये देखकर वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि टाइम खत्म होते ही उसे पता होता है कि उसकी डेथ हो जाएगी। फिर कुछ देर बाद जब इसकी आँख खुलती है तो ये लड़का अपने आप को उसी स्केटबोर्डिंग ग्राउंड पर गिरा हुआ पाता है। दरअसल ये सारा कुछ उसके सपने में हो रहा था,
लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारी हर वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूले। सो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।